बड़े बड़े सपने थे पीएम बनने का सपना भी था उस समय मेरा सुषमा स्वराज उस समय हरियाणा से निकली ही थी तो वो और अटल बिहारी वाजपेयी थे तो क्योंकि मैं डिबेटर था स्कूल में काफी मतलब नहीं की थी बट यस आई वॉज लिंक विदाउटर अच्छा तो फिर फर्स्ट ईयर में ही मंडल कमीशन आ गया था hmm. '90 में ही अगले साल उसके अगले साल फिर बाबरी मस्जिद वाला मामला हुआ तो वो तीन साल बड़े ही हाँ उथल पुथल था टेली तो यूनिवर्सिटी में खासकर उस वक्त राजीव गोस्वामी वाला मामला आपको पता ही होगा हाँ, समय जो हुआ था जो इमोलेशन <coughs> का किस्सा हाँ, हाँ, हाँ। था इट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कास्ट बेस्ड या फिर राइट्स रेजर्वेशन के ऊपर मतलब hmm. उस वक्त मुझे भी नहीं पता था मुझे भी नहीं पता था उस हाँ। समय कुछ भी नहीं पता था ये इट्स आल्सो प्रिविलेज वाला बट आई पार्टिसिपेटेड इन एंटी मंडल हां मूवमेंट विदाउट नोइंग व्हाट मंडल इज देन व्हाई शुड आई बी एंटी क्योंकि वो एक तो ना गूगल था ना कुछ हाँ। था हाँ। तो, तो एक दूसरे से पता करके ही पता लगता था आई आल्सो पार्टिसिपATED इन अयोध्या मूवमेंट अच्छा क्योंकि मैं जिस स्कूल से हूँ जिस बैकग्राउंड से हूँ वहां ये बहुत था। तो मैं उस समय तक बहुत क्लियरली उस पर आपके के से, से फॉलो करते हैं हाँ, कैसे होता है ये मतलब देखिए आर्य समाज का रोल पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में वही है जो ब्रह्म समाज का बंगाल में था देवर फाइटिंग विद ब्रिटिश कल्चर इन ए वे और उसके हिसाब से हिंदू धर्म को रिडिफाइन कर रहे थे ताकि कास्ट सिस्टम को हम खारिज करें एंटी वीमेन जो हमारी कल्चर से उनको खारिज करें तो आर्य समाज हालांकि स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात से आए थे उनका नाम मूल शंकर तिवारी था पर उनका इम्पैक्ट यहाँ ज़्यादा हुआ hmm. जब हिंदू धर्म को रीडिफाइन कर रहे थे तो स्वाभाविक सी बात है कि उस समय इस बेल्ट में हिंदू मुस्लिम्स के बीच की टकराहट थी तो धीरे धीरे आर्य समाज की छवि ऐसी बनी कि मुस्लिम समाज और आर्य समाज के बीच में टसल है आर्य समाज पहला ऐसा मूवमेंट था जिसने शुद्धि आंदोलन चलाया जिसको आजकल हम घर वापसी कहते हैं कि जो लोग हिंदू थे मुस्लिम बन गए थे वापस हिंदू बन सकते हैं बनना चाहिए तो स्वामी श्रद्धानंद ने यह मूवमेंट विशेष रूप से चलाया था ट्वेंटी सेंचुरी के फर्स्ट पार्ट में इसलिए एक एंटी मुस्लिम स्टांस आर्य समाज में उस समय से और मुस्लिम समाज में एंटी आर्य समाज स्टांस नजर आता है आप इतिहास देखें तो आर एस तो उन्नीस में बना आर्य समाज तो 1875 से चल रहा था आर एस एस का मुख्य जो स्वर है महाराष्ट्र से निकला है वो पूरा और वहाँ महाराष्ट्र के ही लीडर्स आमतौर पर सेंटर में रहे पर आरएसएस को धीरे धीरे एक नेशनल बेस मिला तो स्वाभाविक सी बात थी कि जो जो संगठन लगभग सेम आइडियोलॉजी पे काम कर रहे थे वो जुड़ने लगे आपस में तो मैंने देखा है हमारे परिवारों में आर्य समाज के परिवारों में जनरली पॉलिटिकली दे आर अलाइंस टू बीजेपी एंड सोशली टू आरएसएस सो दिस इज द इवन इन आर्य समाज फैमिलीज बेटों को शाखा में भेज देते थे ये जरूरी नहीं है

डिबेटर फ्रॉम कई मेरे मुस्लिम दोस्त मुझसे झगड़ा करते थे मतलब बातें करते थे <laughs> ऐसा होता था कि कॉलेज के ग्राउंड में हमारी डिबेट चल रही है <laughs> और करीब पचास साठ लोग सुन रहे हैं डिबेट को <laughs> उसमें मुसलमान लोग भी हैं हिंदू लोग भी हैं जनरली आई वाज एबल टू कन्विंस माय पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा खासा <laughs> <laughs> था तो मेरे उस समय के सब दोस्त यही मानते हैं कि मैं उसी आइडियोलॉजी से हूँ बाद में धीरे धीरे अब तो मैं किसी एडर से हूँ नहीं तो लेकिन उस समय मैं था क्लिक टू वॉच द एपिसोड